अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से कैसे हराया और इस मैच का थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि इसी तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों की न्यूज़ फीड्स में आती रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, फिर हुआ कुछ यूँ कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और जब उनके दोनों ओपनर्स ग्राउंड में उतर के आ रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी कि भाई वो आज मैच जीतने के लिए आए हैं। और फिर उन्होंने उसी तरीके से हमारे बॉलर्स को मारा, उनकी पिटाई की और ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने रन स्कोर किए और एक शानदार पार्टनरशिप स्टैंड दिया अपनी टीम को, जो उन्होंने 227 रन बनाए। और एक पॉइंट पर हम लोग को आके ऐसा लगा था कि भाई कहीं ये 350 स्कोर ना कर लें या 400 स्कोर ना कर लें, लेकिन हमारे बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया। उन्होंने इब्राहिम को आउट किया, इब्राहिम ने 80 रन स्कोर किए थे। उसके बाद उन्होंने गुरबाज को आउट किया, वो उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 150 रन की। और हमारे बॉलर्स ने अफगानिस्तान टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लिया 300 रन पे और पाकिस्तान को 301 रन का टारगेट मिला। अच्छा भाई, फिर हुआ कुछ ऐसे कि पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई और पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स इसी इंटेंशन से ग्राउंड में आए कि भाई हमने ये 300 रन चेस करने हैं और आज का मैच जीतना है। और ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी टीम जब ग्राउंड में आती है तो वो इसी इंटेंशन से आती है, यही सोच के आती है कि भाई ये मैच हमने जीतना है कुछ भी करके। और उसी तरीके से ही फिर इमाम और फ़खर जमान ने स्टार्ट लिया और वैसे ही उन्होंने तेज़ खेला, स्कोर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके और वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप स्टैंड लगा बाबर आजम और इमाम का और वो समझ लें पाकिस्तान की इनिंग्स को उन्होंने बिल्ड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर भी जल्दी आउट हो गए और 53 रन स्कोर किए उन्होंने खाली। तो फिर हुआ ये कि भाई रिजवान आते हैं बैटिंग पे, रिजवान थोड़ा स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, वो राशिद को सही से रीड नहीं कर पा रहे थे और थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे थे पिच पे, तो अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी रन आउट हो गए। लेकिन फिर इमाम जो है एक एंड से इनिंग को काफ़ी अच्छा लेके चले, सलमान अली आ गए, उन्होंने भी 2-3 शॉट्स मारे, 10-12 रन बनाए, 15 रन बनाए और फिर वो भी आउट होकर चले गए। तो मान लें एक तरीके से हम लोग स्कोर भी कर रहे थे, साथ साथ हमारी विकेट्स भी गिर रही थी, लेकिन हमारी यही दुआ थी कि कुछ भी करके इमाम अलग जो है सेंचुरी कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 91 रन बना के आउट हो गए। अच्छा फिर होता ये जब इमाम आउट होते हैं तो हमारी एक दो विकेट और भी गिरी हुई होती हैं साथ साथ मिडिल ऑर्डर की, तो हमें एक पॉइंट पर ऐसा लगने लगा था कि शायद हम लोग ये मैच हार जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर हम लोग जो थे बॉल टू बॉल थे और उसके बाद ये हुआ कि भाई 30 से 40 रन का डिफरेंस आ गया था बॉल्स और रन में, बॉल्स कम हो गई थी और रन ज़्यादा हो गए थे। लेकिन इफ्तिखार और शादाब की थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप लगी एंड में, उसके बाद फिर नसीम भी शाहीन भी आए, वो भी आउट हो गए, इफ्तिखार भी आउट हो गए, लेकिन शादाब खड़े रहे, उन्होंने अपना रोल अदा किया वाइस कैप्टन का, उन्होंने एक अच्छी तरीके से इनिंग को लेके चले वो नसीम के साथ। और फिर कुछ स्कोर आखिरी के दो ओवरों में ये हो गया था कि दो ओवरों में 27 रन चाहिए थे और हमारे पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग पे थे नसीम और शादाब। फिर शादाब ने उस सेकंड लास्ट ओवर में 2-3 डबल लिए और आखिरी की दो बॉलों पे एक बॉल पे चौका मार दिया और लास्ट बॉल पे छक्का मारा, लेकिन वो जो छक्का मारा जिस बॉल पर उन्होंने आखिरी वो नो बॉल थी और एम्पायर्स ने नो बॉल नहीं दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, एक ओवर रह गया, एक ओवर में 11 चाहिए, अब तो ये तो बनने वाला स्कोर हो गया, ये बन ही जाएगा। अच्छा भाई, वो आगे कुछ ऐसे होता है कि अफगानिस्तान की टीम मीटिंग होती है फाइनल ओवर से पहले, वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें शादाब को किस तरीके से आउट करना है और बैटिंग एंड पे नहीं आने देना, और वो ये सोच रहे थे कि हम नसीम को तो घेर ही लेंगे, आउट कर लेंगे, डॉट करा देंगे और मैच जीत जाएंगे। लेकिन होता कुछ फिर यूँ है कि फारूकी बॉल करने के लिए आते हैं, वो जैसे ही बॉल करने वाले होते हैं तो शादाब रन के लिए भागते हैं और फारूकी बॉल करने से पहले विकेट पर बॉल मार देते हैं और इस तरीके से जो है शादाब रन आउट हो जाते हैं और ये चीज़ जो है नसीम को बहुत गुस्सा दिलाती है। ये सब देख के जो है नसीम को गुस्सा आता है कि इन्होंने क्या किया शादाब के साथ, किस तरीके से आउट किया है। खैर नसीम को क्या, हम लोगों को भी सब देख के गुस्सा आया यार, ऑल दो ICC का रूल है, लेकिन आपने क्या हरकत की, आपने अपनी औकात दिखाई है बिल्कुल कि आप लोग डिजर्व नहीं करते एक जेंटलमैन गेम्स खेलना। फिर नसीम को जो है गुस्सा आता है, वो बैटिंग कर रहे होते हैं और वो वैसे ही इनिंग खेलते हैं जैसे उन्होंने एशिया कप 2022 में खेली होती है, और वही ये उस वक्त भी यही होता है कि आसिफ अली जो है नसीम के साथ बैटिंग कर रहे थे, वो आसिफ अली के साथ बदतमीजी करते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स और नसीम को गुस्सा आता है और वो आखिरी ओवर में 2 छक्के मार के पाकिस्तान का मैच जितवाता है। और फिर इस मैच में भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि आपने शादाब को जिस तरीके से आउट किया वो देख के नसीम को गुस्सा आया और उसने फिर आखिरी ओवर में आपने पहली बॉल की उसने चौका मार दिया, अगली बॉल उसने डॉट की, फिर उसके बाद जो आपने बॉल की उसने सिंगल लिया, फिर अगली बॉल जो थी हारिस ने खेली, हारिस ने शॉट मारा, 3 रन हुए और फाइनल बॉल पर नसीम शाह ने फिर चौका मारा,
दो ओवर में 3 रन रह गए थे। नसीम शाह ने चौका मारा और ये मैच पाकिस्तान को जितवा। और आप लोगों को आपकी औकात बताई कि ईमानदारी से खेलते तो ठीक था, बेमानी से खेलोगे तो देखो तुम लोग नहीं जीत सकते। और फिर जो नसीम शाह ने सेलिब्रेशन किए, उफ मज़ा आ गया भाई, ये सेलिब्रेशन बनती है। उसने बिल्कुल सही सेलिब्रेट करके दिखाया कि देखो तुम इस तरीके से करोगे तो हम फिर जीत के तुम्हें दिखाएंगे। सिर्फ नसीम ने ही सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के पूरे ड्रेसिंग रूम ने जो है फुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, क्योंकि सबको गुस्सा था कि ये इन्होंने शादाब को किस तरीके से आउट किया है। और नसीम ने पाकिस्तान को मैच जितवा के सबको सेलिब्रेट करने का मौका दिया और ये बताया कि भाई अगर तुम मेरे बैटिंग पार्टनर के साथ फील्ड पे कुछ उल्टी सीधी हरकत करोगे तो मैं तुम लोगों को कभी मैच नहीं जीतने दूंगा। और अफगानिस्तान का जीता जिताया मैच अफगानिस्तान के मुंह से छीन लिया और पाकिस्तान को नसीम शाह ने जितवा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इसी तरीके की मजीद वीडियोस आप लोगों की न्यूज़ फीड्स में आती रहें। शुक्रिया।